ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कुल 70,000 पुल और पलिया पिछले 190 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर बनी थी, सिंचाई विभाग के विभिन्न प्रकार की नहरों के अंदर, और इनमें कभी भी इनकी मरम्मत का कार्य नहीं हो पाया था। ये जर्जर हो चुकी थी, तोड़ दी गई थी, बहुत सारी जगह लोगों ने तोड़वा दी थी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इसमें 21,542 पुल पुलियों के मरम्मत और जीर्णोद्धार का कार्य, 3,508 पुल पुलियों के पुनर्निर्माण का कार्य आज इस महाअभियान के साथ यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने विगत वर्ष बजट में पैसे की व्यवस्था की थी और नए बजट में भी हमने इसके लिए ये व्यवस्था की है कि कहीं भी पैसे की कमी आम नागरिक के जीवन के सरलीकरण में और उसको सहज बनाने में आड़े ना आ पाए, इस दिशा से इसे एक अभियान के रूप में हम लोग ले रहे हैं। इस महाअभियान के अवसर पर मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है लगभग 241 लाख हेक्टेयर का है, इसमें से कृषि योग्य भूमि 188 लाख हेक्टेयर है और उसमें भी सिंचाई की क्षमता का सृजन जो हम लोगों के पास है वह अब तक 120 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की क्षमता हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई है। इसके लिए लगभग 75,000 किलोमीटर नहरों का एक संजाल प्रदेश के अंदर बिछा हुआ है, 34,401 नलकूप हैं, 278 पंप नहरों की संख्या हमारे पास है। और जैसे कि इससे पहले जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री सिंचाई विभाग ने दिखाई थी कि पूर्वी यमुना नहर प्रणाली 190 वर्ष पुरानी है, ऊपरी गंगा नहर प्रणाली 166 वर्ष पुरानी है, निचली गंगा नहर प्रणाली 142 वर्ष, बेतवा व केन नहर प्रणाली 135 वर्ष, दसान नहर प्रणाली 113 वर्ष और शारदा नहर प्रणाली 92 वर्ष पुरानी है। आप सोचिए कि इतने पुरानी 190 वर्ष पुरानी नहरों पर 160 वर्ष, 166 वर्ष, 135 वर्ष, 113 वर्ष, यानी इतनी पुरानी नहरों पर जो पुल और पुलिया थी कभी भी उनकी मरम्मत नहीं हुई। आबादी बढ़ती गई, आवागमन बढ़ता गया, साधन बढ़ते गए, लेकिन कभी भी उस दिशा में किसी सरकार ने प्रयास नहीं किया। और मुझे प्रसन्नता है कि जो अधिकतर पुल पुलिया जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, टूट गई थी, वहां पे पब्लिक के आवागमन के कारण वे खतरनाक स्थिति में पहुंच गई थी, आज एक साथ इन सब की पुनर्निर्माण की कार्रवाई, इनकी मरम्मत की कार्रवाई एक साथ प्रारंभ हो रही है। और इसी क्रम में 25,050 पुल और पुलियों के कार्यों को हम एक साथ यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। यह हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है और मैं इसके लिए सिंचाई विभाग को हृदय से बधाई देता हूं। सभी जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं उन सबको भी मैं हृदय से इसके लिए, उनके परिश्रम के लिए, उनके द्वारा किए गए प्रयास के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सिंचाई विभाग से मेरा एक आग्रह होगा कि इसको मिशन मोड में लेके अगले 100 दिन के अंदर इन सभी कार्यों को हम संपन्न करवा लें। और कार्यों का शुभारंभ या कार्य का जब कार्य कंप्लीट होगा, गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य संपन्न हो, समयबद्ध ढंग से हो, इन कार्यों को हम पूरा करने के साथ ही जनप्रतिनिधियों से फिर इसका निरीक्षण करवा करके इस बात को सुनिश्चित करवाएंगे कि ये कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे हो चुके हैं और इन कार्यक्रमों को हम आगे आने वाले समय में पब्लिक के आवागमन को और अच्छा बना सके। हमें अगले चरण में एक व्यवस्था देनी चाहिए कि जो नहर अभी ऐसी हैं जहां पे आवागमन के लिए नहर की पटरियां अगर पब्लिक के आवागमन के लिए पक्की सड़कों से जुड़ जाती हैं तो उससे नहर भी सुरक्षित हो जाती है और साथ साथ आपको देखभाल करने की भी उसको, यानी जब आवश्यकता पड़ती है तो साधन से वहां पे जाकर के हम उसकी देखभाल भी कर सकते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उन क्षेत्रों को भी हमें चिन्हित करना चाहिए कि कहां पे नहर की पटरियों में आवागमन के लिए सड़क बनाने की आवश्यकता है, उसको हम लोग पक्की सड़क भी बना सकते हैं, खड़ंजा मार्ग बना सकते हैं, इंटरलॉकिंग से जोड़ने की कार्रवाई भी कर सकते हैं, जो भी उपयुक्त हो उस दिशा में अगले चरण में हमें कार्य करना चाहिए जिससे पब्लिक का आवागमन और सहज और सरल हम बना सकें।
क्योंकि ये आज की आवश्यकता है। नहरों का उपयोग ज्यादातर हमारा किसान भाई करता है, किसानों की सुगमता के लिए, गांव के विकास के लिए, बहुत सारी जगह आवागमन के मार्ग के रूप में नहर की पटरियों का उपयोग होता है। लेकिन अगर नहर की पटरियां टूटी फूटी हैं, अस्त व्यस्त हैं, वहां पे बरसात के दौरान रेन कट हो जाते हैं या फिर रेट होल हो जाते हैं, इसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। अगर आवागमन व्यवस्थित रूप से चल रहा है तो हम रेन कट से और रेट होल से भी हर वर्ष उसकी मरम्मत का काम भी कराते हैं और सड़क के आवागमन के साथ ही उसके निर्माण और उसके पुनरुद्धार का कार्य भी प्रतिवर्ष होता रहेगा, नहर भी सुरक्षित रहेगी। जैसे हमने यमुना नहर को 190 वर्ष से न केवल नहर के रूप में इसकी गौरव गाथा को किसानों के जीवन में, आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन के कारक के रूप में हम इसको देखते हैं, वैसे ही अन्य नहरों की पुनरुद्धार की कार्रवाई को भी हम आगे बढ़ा पाएंगे। जो बात मेरे सामने भी यहां पर आई है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के बारे में या मध्य गंगा नहर परियोजना के बारे में, अर्जुन सहायक परियोजना के बारे में, तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो इस वर्ष के अंत तक हमें पूरी करनी है। ये 20 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई की सिंचन की क्षमता प्रदेश के अंदर इन नहरों के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। हमें इस दिशा में अपने प्रयास को और तेज करने चाहिए। इसके साथ ही मैं एक और चीज का आग्रह करूंगा और वह होगा कि जितने भी सिंचाई की परियोजनाएं हैं इन्हें हम मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाएं। किसान को हम कैसे तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य कर सके, अब वो समय गया कि जब हम खेत में सिंचाई करने के लिए खेत को पूरी तरह पानी से डुबोते थे, क्या ड्रिप इरिगेशन की प्रणाली को और तेजी के साथ आगे बढ़ा करके विभागीय अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि किसान बंधुओं के साथ मिलकर के सिंचाई विभाग इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मैं एक बार फिर से इस पुल पुलिया के पुनरुद्धार के नवनिर्माण की और मरम्मत के इस महाअभियान कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर सिंचाई विभाग को हृदय से इस कार्य के लिए साधुवाद देता हूं, सभी जनप्रतिनिधियों को, किसान बंधुओं को और इसका उपयोग करने वाले उन सभी प्रदेश के नागरिकों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि अगले 100 दिन के अंदर एक महाअभियान के रूप में लेकर के हम इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि प्रदेश के अंदर वर्षों बाद टेल तक सिंचाई का पानी पहुंचा है। इसको हरेक नागरिक ने मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की है और लोगों ने इस बात को स्वीकारा है कि वास्तव में जिन नहरों का कभी सफाई नहीं होता था, सफाई के नाम पर एक औपचारिकता पूर्ण कर दी जाती थी, आज वहां पर सफाई के कार्य दिखाई भी दे रहे हैं और लोगों को इस बात का एहसास भी हो रहा है कि हाँ, परिवर्तन हरेक स्तर पर दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए भी पूरे विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूं कि समयबद्ध ढंग से इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।